हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला भिंडी, वो भी सीक्रेट मसाला के साथ। सीक्रेट मसाला का रेसिपी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, तो आप चाहे तो पहले वो देख ली, उसके बाद बस बनाए मसाला भिंडी। अच्छा, मसाला भिंडी किसी भी सिफारिश की मोहताज नहीं है आज की डेट में। ये अब हर जगह बनने लगी है, शादी ब्याह में भी बनती है, भोज में भी बनती है, और हमारे घर जब दावत रखते हैं गेट टुगेदर उसमें भी बनती है। हम लोग अब पार्टियों में भी खाने लगे हैं, और उसके बाद ढाबा पे भी मसाला भिंडी आसानी से मिल जाते हैं। तो इसलिए आप इसे घर में बनाइए, खाइए, अपने फैमिली के साथ मिलके खाइए और इंजॉय कीजिए। तो सबसे पहले हमने भिंडी को इस शेप में काट लिया है, अभी आपने देखा। दो तीन मैंने बड़े साइज का प्याज ले लिया है, उसे इस तरीके से चॉप्ड कर लिया है, बिल्कुल बारीक काटे आप। दो मैंने हरी मिर्ची का इस्तेमाल किया है, हरी मिर्ची आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं, आपके नीड के अकॉर्डिंग है। इसे अच्छा, मैं भिंडी पूरे को ना प्रोसेस मैं लोहे की कढ़ाई में बनाने जा रही हूँ। इससे क्या होगा, इससे दो चीज हो जाएगी आपकी। एक तो आपकी भिंडी चिपकेगी नहीं और मसाले भी अच्छे से भून जाएंगे, और दूसरी ये कि आपकी भिंडी बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनेगी। यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास अभी नहीं थी इसलिए मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज किया है। तो ये देखिए, रिफाइंड ऑयल में मैंने बहुत ही अच्छे से भून लिया है, थोड़ा सा तेल में लोहे की कढ़ाई में आपका भून जाएगा, ज्यादा नीड नहीं रहती है, लोहे की कढ़ाई में थोड़े से तेल में भी काम चल जाता है। इसमें थोड़ा तेल और ऐड करके अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से 1 टीस्पून के करीब आप इसमें जीरा ऐड करें। जीरा थोड़ा सा चटकने के बाद इसमें डालेंगे 2 चॉप्ड हरी मिर्ची। फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखेंगे, मीडियम पे ही सारे प्रोसेस करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम चॉप्ड अनियन, जितने भी अनियन हमने चॉप्ड किए थे सारे ऐड कर देंगे, और इसे अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। ब्राउन होने का क्या रीजन होता है ना फ्रेंड्स, कि सुनहरी ब्राउन होने पे इसका स्वाद दुगुना हो जाएगा। कोई भी सब्जी हम बनाते हैं ना, तो उसमें बहुत ही अच्छे से मसाला या फिर प्याज का भुनना, मसाला का पकना बहुत जरूरी होता है। अब इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे भर के नमक लिया है, नमक आप कम ज्यादा कर सकते हैं, भिंडी यहाँ पे कम है इसलिए मैंने नमक थोड़े से कम लिए हैं। आधी छोटी चम्मच मैंने इसमें हल्दी ऐड ऑन किया है, 1 चम्मच धनिया लिया है। आप मसाले को बिल्कुल इस तरह से ही डालें, क्योंकि जो रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ ये रेसिपी बच्चों के अकॉर्डिंग है। और ये हमने हरी मिर्ची भी ली है, वो ज्यादा तीखी नहीं है, बहुत कम तीखी वाली मार्केट में आपको मिल जाएंगी। वो है, अगर आप के घर में बच्चे हैं तो ज्यादा तीखे वाली हरी मिर्ची ना डालें। यहाँ पे मैंने डाला सीक्रेट मसाला, जो मैंने पिछले वाले वीडियो में दिखाया है, आप जाके एक बार चेकआउट कर ले। वो मसाला आप स्टोर करके रख सकते हैं, और जितनी भी सब्जी बनाए या फिर नॉनवेज बनाए तो उसमें आप एड ऑन कर दे। नॉनवेज में 2 चम्मच दे, नॉर्मल सब्जी में आप 1 चम्मच मसाला दे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चिकन मसाला एड किया है, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप नहीं डालें। मुझे भिंडी में चिकन मसाले बहुत पसंद है इसलिए मैंने ये एड ऑन किया है। बस इसे लो फ्लेम करके अच्छी तरह से भून डालें। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से अब इसमें जाएगा भुना हुआ भिंडी। ये देखिए, मसाला भिंडी इस तरह से आप जरूर बनाएं अपने घर में। फिर देखिए, आप आपके घर में जो बच्चे हरे सब्जी नहीं खाते हैं वो भिंडी मसाला खाने लगेंगे, क्योंकि इसकी खुशबू उन्हें खींच लाएंगी खाने के तरफ। तो ये जादू तभी होगा जब आप ये रेसिपी को शेयर करेंगे, अपने घर में बनाएंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे, तभी आप उसे टिफिन में भी दे सकते हैं। जब आपके बच्चे का मन आ जाएगा भिंडी पे, तो ये रेसिपी जरूर आप ट्राई कीजिए और अपने घर में बनाइए, बच्चों को टिफिन में दीजिए, भिंडी मसाला के साथ रोटी दीजिए, पूरी दीजिए, आपको जो भी पसंद है वो दीजिए, बच्चे बहुत ही प्यार से खाएंगे। ये देखिए, मसाला भिंडी बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि मुझे आपको सभी प्रोसेस बारी बारी से बतानी थी, इसीलिए। ये देखिए, मसाला भिंडी बनकर रेडी हो चुका है और बहुत ही मजेदार लग रही है दिखने में भी, खाने में तो इससे भी ज्यादा मजेदार है। अच्छा, मसाला भिंडी ना मुझे चावल के साथ बहुत पसंद है, तो मैंने लंच में बनाया था मसाला भिंडी जानबूझ के, क्योंकि मुझे चावल के साथ खाना था। तो चावल के साथ मैंने मसाला भिंडी लिया है, साथ में मैंने लिया न्यूट्रीला आलू का सब्जी, बनाया था आज लंच में। तो हमारी लंच तो ये हो रही है फ्रेंड्स, आप जाइए अपने घर में ये रेसिपी जरूर बनाइए।
और अपना रिव्यू हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए फ्रेंड्स, इससे हमें पता चलेंगे आपकी पसंद नापसंद। जो कोई भी लोग यूट्यूब पे आता है फ्रेंड्स, तो उनके सब्सक्राइबर ही उनकी यूट्यूब फैमिली हो जाती है, तो फैमिली का पसंद नापसंद जानने के बाद अगर मैं कोई रेसिपी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका क्या नीड है, नेक्स्ट वीडियो में किस रेसिपी में बनाऊं, और ये रेसिपी आपको कैसी लगी वो जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही, खाइए पिज्जे, इंजॉय कीजिए मस्त जिंदगी, मेरा खाइए क्या है कि नहीं। बाय।